हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी दिल्ली का कड़क लौंडा। ये है यश, अब आगे चौधरी लगा रखा है, पता नहीं कहाँ का चौधरी है बट कह सकते हैं यश चौधरी। इसके हैं 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। ये प्रैंक करता है तो अब मैं ये नहीं बताने वाला कि ये किस टाइप के प्रैंक करता है, फेक करता है या स्क्रिप्टेड करता है। वैसे सबको पता होता तो इसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर ना होते। ओके, इन मंद बुद्धि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर को छोड़ के बाकी लोगों को तो पता ही है। तो अपना भाई यश चौधरी, ना 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 ना, तेरे जैसे मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर होता ना, कसम से मार मार के उसको अब तक सीधा कर दिया होता। ऐसा नहीं, एक बार कैमरा उधर कर दो भाई प्लीज। यार यार, इन सबको अकेली लड़की मिल कहाँ जाती है जो अकेली पार्क में सज सवर कर बैठी है, ना जहां पर ना बंदा है ना बंदे की जात है। बे स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड। सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे भी दिखा दो यार, ये तो लड़कियों पे ना कैमरे को अटक जाता है कसम से। ऐसा लगता है मुझे सनी ठरकी है। अभी कैमरा मैन नहीं, बल्कि सारे के सारे तुम ठरक से भरे पड़े हो। एक बार जरा इनका चैनल देखो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 99% जो है लड़कियों के साथ इन्होंने प्रैंक किया है, जो सारी की सारी स्क्रिप्टेड दिखती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यार मैं पूरी की पूरी वीडियो तो चलाने वाला हूँ नहीं। तो ये मानूस जिसका नाम है यश चौधरी, जो पता नहीं किसका भाई है, एक फेक प्रैंक करने या फेक एक्सपोज करने एक लड़की के पास जाता है, जैसे इस पार्क में बैठी है। इस लड़की के फेक ओनर ने फेक पीजी से इस लड़की को बाहर निकाल दिया। तो ये मानूस जो यूट्यूब पर फेक वीडियो बनाता है, अपनी फेक कॉल करेगा और इसको फेक एक्सपोज करेगा इस फेक ओनर को अपनी फेक पंती दिखाने के लिए। यार ये भूमि है, याद होगा मेरी वीडियो में आई थी पहले भी ना, इनके बॉयफ्रेंड ने इनके ऊपर मिलके हमने प्रैंक किया था। अब जरा तुम प्रैक्टिकली सोचो, एक लड़की जो पार्क में अकेली बैठी है सज सवर कर, ये इंसान जाता है तो इसकी दोस्त निकल जाती है। तो यहाँ पर कैमरामैन कैमरा बंद भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ अब इनके बीच में एक फेक कन्वर्सेशन चलेगी, जहां पर ये लड़की अपने फेक आंसू बहाएगी, फेक प्रॉब्लम बताएगी, और ये लड़का यहां पर फेक कॉल करके फेक पीजी को फेक एक्सपोज करेगा। अबे पागल समझे हो क्या जनता को यार, मतलब वो अकल की अंधी है क्या? इनको छोड़ देना यार। खैर छोड़ो यार, अब इसकी फेक स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। बहुत परेशान। निकालना नंबर, निकालना मुझे दो जरा। अपने फोन से करोगे? अपने से करूंगा, देना जरा। हां करो डायल, ये लो नंबर डायल। हां तो अब फोन निकाल लिए, अब ये मानूस एक फेक नंबर डायल करेगा, बल्कि बताएगा नहीं क्या नंबर डायल कर रहा है। तो यश, जो पता नहीं किसका भाई है, तुम्हें लगता है इंटर देगा? नहीं, तुम इसे जानते नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता यार, ये अपने आप को भी जानता होगा। वाली भाई, आप में ना हाथ डाल के निकाल लूंगा जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हो। तुम्हारी भाई आगे ना मां मैं समझे? नहीं नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं नॉर्मल बात कर लो, बकने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, मतलब गाली से इंसान डर जाता है और कांपने लग जाता है। अरे ऊपर से जब ये मैंने इसके कमेंट पढ़े ना यार, मुझे देखकर आश्चर्य चकित हो गया। मतलब लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। शाइन गेमिंग, गाली ऑफ द ईयर, भाई साहब ने तो खिताब ही दे दिया इनको तो। अरुण चौधरी, यश यू लुक सो डैशिंग वाइल थ्रोइंग गाली, लव यू मैन फ्रॉम कैनेडा। भाई साहब कैनेडा में मूर्ख भरे पड़े हैं यार, पता ही नहीं था मुझे तो। अभिषेक राजचलवार, वन लाइक फॉर यश एंग्री अवतार। अबे अपने बाप को भी बोलते हो तुम ऐसे। गोपाल राय, वाई वाई वाइल टॉकिंग यू शुड हैव कीप स्पीकर ऑन सो दैट एवरीवन कुड हियर हिज वॉइस, एनीवे यू हैव डन ग्रेट जॉब। वाई वाई, मतलब क्या? अबे वो नहीं रखेगा यार, क्योंकि वो फेक कॉल होती है, उसमें कोई आवाज थोड़ा ना आ रही होती है, अपनी फेक बनती दिखा रहा है ना। असल में कोई सामने होता ना, अब तक जबाड़ा तोड़ दिया होता उसका। द हर्ट्स मोनोलॉग, जो भी है, गजब भाई, गाली अल्ट्रा मैक्स प्रो ट्रो म्रो लव यू ब्रो। दुनिया में यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, कसम से अब तो विश्वास उठ गया इंसानियत पे से। श्री राम तिवारी, दिल खुश कर दिया भाई, मतलब अपने बाप से भी सुन लिया करो, दो तीन गालियां रोज खुश हो जाएगा तुम्हारा। अभी ये इंसान जो पता नहीं किसका भाई है, जबरदस्ती तुमको बताएगा ये कौन है। देखो भाई एक बात बताता हूँ, अगर मेरे आने की ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर मुझे पता है क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ, मैं अभी तुम बताता ना, यश चौधरी यूट्यूब खोलो एक बार अपना, खोल ले, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ मैं, भी ज्यादा बोल रहा हो। खोल यूट्यूब, दिख गया? अब बता तेरे मुंह में आके मुंह तू, या फिर यहाँ से सामान निकाल के देगा, नहीं तो एड्रेस डाल दूंगा सीधा नीचे, और मुझे तो आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां पे आके तेरे साथ क्या क्या हो जाएगा ना, तू खुद सोच भी नहीं सकता। आप करके बात कर रहा था, तू तो मुंह में ही मुतरा है। नहीं मैं भी आ जाऊंगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, तुझे आना हो अपना एड्रेस भेजू मैं, सामान निकाल के बाहर रख, 15 मिनट में वहीं आ रहा हूँ। तेरी किसी और उसमें हो नखरे में, और देख लियो यकीन ना है तो ये वाली वीडियो अभी डाल दूंगा, शाम को डलेगी ये, हल्के में मत लियो।
एक बार तुम इसको जरा इमेजिन करके सोचो, तुम्हारी लड़ाई चल रही हो किसी के साथ फोन पर और तुम कहोगे कि तुम मुझे जानता नहीं हो, जानता नहीं है ब्रो, तू जरा एक बार यूट्यूब खोल, तुझे मेरे सब्सक्राइबर पता चलेंगे। सच में वो ऐसा करेगा, तुम्हारी बात सुनकर वो यूट्यूब खोलेगा। अबे तुम यूट्यूबर हो, यूट्यूबर कोई आईएएस आईपीएस नहीं हो। वैसे आईएएस आईपीएस इनको पता भी नहीं होता बनते कैसे या इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे हैरानी इस बात की इसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो कैसे गए, थरक की वजह से। मुझे लगता है कि यार भारत के लोग जो है वो ऑल्ट वाला जी जैसे शोज को बहुत पॉपुलर करते हैं, तो इन जैसे यूट्यूबर का भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं ये लोग भी वैसा वैसा कंटेंट बनाकर। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, इसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर और ये ऐसी धमकी दे रहा है कि हाँ तुझे उठा देंगे, तेरा पता नहीं क्या कर देंगे। मैं ये सोच रहा हूँ यार, कैरी मिनाटी जिसके 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, वो तो सांस भी नहीं लेने देता होगा ना किसी को। अब तुम जरा सोचो यार, इसने अपने निब्बों को ये बोल दिया कि यार यहाँ पहुंचो, तुम्हें यहाँ जाके इसको जाके धमकाना है या फिर यहाँ जाके ऐसा ऐसा करना है। सच में आएंगे वो? कोई नहीं आएगा यार, क्योंकि मतलब वो तुम्हारी ठरक देखने आए हैं, तुम्हारे फैन नहीं है। ये जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ नाम नाम के हैं, एक्चुअल में नहीं है ये लोग। और जो एक आधा आ भी जाएगा यार, उसको मतलब बुरी हालत हो जाएगी। ऐसा मत कर देना, ये इंसान तो बोल रहा है तुमको ऐसे भड़काने के लिए, ऐसे कर देंगे, पहुंच मत जाना यार सच में। अब देखो यार, कुछ नमूने आएंगे इस वीडियो के, डिसलाइक करने, कमेंट में गालियां लिखने। तुम यार तुम देखो यार, तुम जाके अपना इलाज लूज कराओ किसी पागलखाने में। सच में यार तुम धरती पे बोझ बनते जा रहे हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे ज्यादा सहन नहीं होगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।